बहुत बार मौके मिले थे इस मूवी को देखने के, बट एक प्रजम्पशन मैंने बना रखी थी अपने दिमाग में कि यार ये मूवी मुझे समझ में नहीं आने वाली है क्योंकि इसके अंदर मशीन लैंग्वेज है, तो मैंने इसको देखने की भी कोशिश नहीं की थी। बट अब इसकी फोर्थ मूवी आने वाली है तो सोचा यार एटलीस्ट इसको देखकर मतलब देखने की कोशिश तो करते हैं, क्या पता ये पसंद भी आ जाए। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैट्रिक्स मूवी के बारे में जो 1999 में आई थी, 1999 में आई थी। टोटल इसके अंदर 3 मूवीज आ चुकी हैं, फोर्थ मूवी अब आने वाली है और इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे जॉन विक भैया। और मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि मैंने ये मूवी देखी, मुझे यार यकीन नहीं हो रहा मैंने इस मूवी को मिस कैसे कर दिया। काफी बढ़िया स्टोरी और अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसके वीएफएक्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं और एक छोटी सी वार्निंग, देखो यार भावनाओं में बहकर शायद मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे आप लोगों को इसमें स्पॉइलर मिल जाए, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार, बट मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे ऐसी चीजें ना बोली जाए। तो इस मूवी के अंदर एक ऐसे संसार, ऐसी दुनिया, ऐसा वर्ल्ड दिखाया जाता है जहां पर मशीनों ने कब्जा कर लिया है। अब मशीन और इंसानों के बीच में लड़ाई चल रही है, अब मशीन जीत चुके हैं, इंसान बहुत कम बचे हैं। और मशीनों को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए और इनको एनर्जी मिलती है इंसानों से, और ये इंसानों की खेती करना शुरू कर देते हैं। जैसे द प्रॉमिस नेवरलैंड एक एनिमे सीरीज है, उसके अंदर जैसा हमें देखने को मिलता है बच्चों को पाला जाता है ताकि वो डीमंस खा सके, सेम इसमें ऐसा ही होता है। यहां पर बच्चों को पाला जाता है ताकि वो मशीन चल सके। अब वो कैसे होता है जब आप मूवी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और अब इन मशीन ने एक प्रोग्राम डिजाइन कर रखा है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, जहां पर ये इन सभी इंसानों को एक साथ कनेक्ट करके वहां रखा गया और इनको एक काल्पनिक दुनिया में रखा जाता है, जैसे वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन यहां पर कुछ लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये लाइफ जो है वो असली नहीं है, ये गलत मतलब कि काल्पनिक लाइफ है, और वो अपने मतलब अपने आप को जगाने में कामयाब हो जाते हैं और वो मशीनों से लड़ना शुरू करते हैं। और ठीक अब उनका यही मकसद बन जाता है कि हां बाकी के लोगों को भी जगाया जाए और मशीन के खिलाफ लड़ा जाए। खैर यही स्टोरी इसके अंदर दिखाई जाती है जो काफी बढ़िया लगी मुझे। खैर मैंने कोशिश की है कि कम से कम आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट खराब ना हो। जब मैंने इस मूवी को देखना शुरू किया सच में मैं काफी ज्यादा पजल हुआ, फिर धीरे 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 जैसे मूवी आगे बढ़ती है और सारे सवालों के जवाब मिलते हैं तब मैं अपने आप से पूछता हूं यार मैंने ये मूवी अब तक क्यों नहीं देखी थी। और जितना मैंने इस वीडियो में बताया ये उन लोगों के लिए जो शायद मेरे जैसे हो सकते हैं यार, मेरे जैसे पर्सन हैं जिनको लगता है कि यार ये मैट्रिक्स मूवी हमें समझ में नहीं आने वाली और उन्होंने आज तक इसको कभी ट्राई भी नहीं किया। एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद ये मूवी वो शायद जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यार जो मुझे पसंद आई तो शायद मेरे जैसे लोगों को भी ये मूवी पसंद आ सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसकी जो यूनिक स्टोरी है इसके कारण ही इसको आईएमडीबी के ऊपर काफी ज्यादा रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करें कि मूवी कितनी ज्यादा अच्छी है या कितनी ज्यादा खराब है, देखो खराब होने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। मुझे पर्सनली इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई है। वीएफएक्स शायद किसी को ओल्ड लग सकते हैं क्योंकि यार 1999 की टाइम की है तो वहां पर वीएफएक्स उतने बढ़िया नहीं थे जो आज के टाइम में, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया वीएफएक्स और मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और काफी बढ़िया लगते हैं। इसके अंदर जो फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए वो भी बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। देखो बहुत सारी चीजें जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की है क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि जब आप ये मूवी देखो तो एकदम बिल्कुल ब्लैंक होकर देखो और तो उसके बाद जो मजा आएगा मूवी देखने का वो अलग ही लेवल का होगा। और जब मूवी काफी ज्यादा बढ़िया हो तब तो यार समझो कि सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। और जब आप इस मूवी की एंडिंग पे पहुंचोगे तब आप लोगों का अगली मूवी के लिए इंटरेस्ट बन जाएगा और ये जानने के लिए यार अगली मूवी में क्या होगा, ये कैसे मशीन से लड़ने वाले हैं। क्या जब आप ये रिव्यू देख रहे होंगे उस वक्त मैं इसका सेकंड मूवी देख रहा हूं, मैं देखो भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, मतलब कितना मुझे पता है कि मैं भविष्य में क्या करने वाला हूं। और काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि यार देखो इसकी 2003 में लास्ट मूवी आई थी और अब जाकर 2021 में इसकी फोर्थ मूवी आने वाली है, तो एकदम कितना ड्रास्टिकली चेंज इसमें देखने को मिलेगा। इसकी जो वीएफएक्स है काफी ज्यादा एक्साइटेड इसी चीज के लिए हूं यार, जो अभी 99 के टाइम के जो वीएफएक्स देखे हैं एकदम देखो यार वो चीज देखकर तो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं कि उस टाइम के हमें देखने को मिले टेक्नोलॉजी, अब यहां पर हमें 2021 में कितना चेंज मिलेगा उस मूवी का और अब की जो मूवी आने वाली है, तो एक तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा मतलब उत्साहित कर रही है। खैर मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 सर, 1 सर इसलिए ताकि मूवी को नजर ना लगे इसलिए काट लिए। खैर मूवी आप लोगों को हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में देखने तो इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो आप एक बहुत अच्छी मूवी मिस कर रहे हो। जो 2021 में आ रही है वो वैसे ही देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो जाकर पहले ये वाली मूवी देख लो, एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि हो क्या रहा है इसके अंदर, जैसे मैं आज तक अनजान था शायद आप भी अनजान हो सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।